फ्री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हों तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग आरबीआई के द्वारा किस तरीके से साख नियंत्रण स्थापित किया जाता है, जो कि आरबीआई का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और आरबीआई को जिस कार्य के लिए जाना जाता है वह उसका साख नियंत्रण का ही जो है कार्य है। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। इसके पूर्व के कई लेक्चर में हम लोगों ने लिक्विडिटी पर चर्चा किया हुआ है कि तरलता या लिक्विडिटी क्या है। तो साख नियंत्रण के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और मुद्रा स्फीति, महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि में जो है संतुलन स्थापित किया जा सके और कोई भी व्यवस्था अतिवाद की तरफ ना बढ़ पाए। इसलिए आरबीआई के द्वारा कई माध्यम होते हैं जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था में साख का नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किया जाता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि साख नियंत्रण के अंतर्गत जो है किस तरीके से जो है ये आरबीआई काम करता है और ये कितने प्रकार से जो है स्थापित करता है, इन सभी बिंदुओं को हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। इसमें दो माध्यम है, एक तो परिमाणात्मक होता है परिमाणात्मक साख नियंत्रण, और दूसरा होता है गुणात्मक या चयनात्मक गुणात्मक। इसमें परिमाणात्मक का ही जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल और भूमिका होती है। अब ये परिमाणात्मक और गुणात्मक दो प्रकार होते हैं। कई बार ये चीजें पढ़ करके हम लोग केवल इसे सुन लेते हैं और इन शब्दों को रट लेते हैं, लेकिन इसका अपना एक मतलब होता है। परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी, कहने का मतलब यह है कि आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण को स्थापित करने के लिए, या साख नियंत्रण को व्यवहारिक अर्थ में समझा जाए तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो है आपूर्ति को सुनिश्चित करना कि कितना होना चाहिए, चाहे वो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हो, बेरोजगारी के लिए हो, या जो है महंगाई इत्यादि को ध्यान में रखते हुए हो, तो वह नीति ही जो है आरबीआई की जो है वो साख नियंत्रण की नीति जो है कहलाती है। तो इसके अंतर्गत जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक दो प्रकार के जो है माध्यम आते हैं। परिमाणात्मक में आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण के लिए कोई ऐसा कदम उठाना जिससे आंकड़े में गत परिवर्तन होता है। आंकड़ागत परिवर्तन का मतलब, जैसे वाणिज्यिक बैंकों को जो है उधार देने की व्यवस्था आगे हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से किया जाता है आरबीआई के द्वारा। अगर वो उधार दे रहा है और 4% जो है रेपो रेट दर बनाया हुआ है, अगर वह उसे 4.25 कर देता है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे आंकड़ों में परिवर्तन होता है, यानी कि जो इंटरेस्ट उस पर अदा करना होगा वाणिज्यिक बैंकों को, वो जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इस आधार पर ये परिमाणात्मक हो जाता है। और गुणात्मक के अंतर्गत जो ऐसे नियंत्रण स्थापित किए जाते हैं जो स्वरूप आधारित जो होते हैं, जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को लाइसेंसिंग देने के कारण से एक नियंत्रक इकाई के रूप में आरबीआई को स्थापित किया जाता है और उस रूप में आरबीआई के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मुख्य भूमिका है वो परिमाणात्मक साख नियंत्रण का है, अर्थात साख नियंत्रण के अंतर्गत जो है परिमाणात्मक साख नियंत्रण की भूमिका और उत्तरदायित्व ज्यादा होता है। इसके माध्यम से वह अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण को बहुत ही मजबूती से नियंत्रित करने में सफल होता है। दूसरा एक और आधार है इसके वर्गीकरण का, अल्पकालिक और दूसरा है दीर्घकालिक। क्योंकि कई जो है तरीके हैं जो है अल्पकालिक में रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट यानी कि आरआर और आरआरआर इनको सम्मिलित किया जाता है। इसी तरीके से दीर्घकालिक के अंतर्गत जो बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं और सीआरआर और जो है बैंक रेट हो गया और खुले बाजार की क्रियाएं इनको सम्मिलित जो है किया जाता है। ये जो है दीर्घकालिक जो उपाय होते हैं। एक जो है अनिवार्य जो उपाय है उसके अंतर्गत जो है एसएलआर और सीआरआर को जो सम्मिलित किया जाता है। यद्यपि ये दीर्घकाल में भी आता है और साख नियंत्रण के
अनिवार्य उपायों के अंतर्गत भी इसको सम्मिलित किया जाता है। तो अभी हम इन्हीं चीजों को जो डिटेल में जो है अध्ययन करेंगे, जिससे ये विभिन्न जो है माध्यमों विभिन्न उपायों के द्वारा आरबीआई जिस तरीके से शाख नियंत्रण स्थापित करती है, उससे आरबीआई की शाख नियंत्रण के क्षेत्र में जो भूमिका है उसको पूरी तरीके से समझने में मदद मिलेगी। तो परिमाणात्मक गुणात्मक के अंतर को हम लोगों ने समझ लिया था, तो हम लोग यहाँ पे जो है आरआर को रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसको सम्मिलित करेंगे। इन्हें दोनों को जो है ये एलएएफ एक व्यवस्था जो प्रारंभ की गई थी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये 2000 ईस्वी में जो है इसे प्रारंभ किया गया था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके अंतर्गत जो है शाख नियंत्रण की व्यवस्था को समायोजित करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और इसमें इन दोनों ही जो है माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है एलएएफ के अंतर्गत। रेपो रेट यानी कि रेपो रेट को रिपर्चेज ऑप्शन रेट कहा जाता है, रिपर्चेज ऑप्शन रेट कहा जाता है रेपो रेट को, ऐसे शॉर्ट में हम लोग जो है रेपो रेट कहते हैं, फुल फॉर्म उसका जो है रिपर्चेज ऑप्शन रेट होता है। यानी कि कोई भी जो है पक्ष किसी भी प्रतिभूति को इस आधार पर बेचता है कि जो है इस विकल्प के साथ जो है बेचता है कि वो उसे भविष्य में खरीद लेगा, तो उसे जो है रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत जो है आरबीआई के द्वारा अपने वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण जो है दिया जाता है, अल्पकाल के लिए दिया जाता है। यहाँ पर बैंक दर के द्वारा भी दिया जाता है, लेकिन रेपो रेट और बैंक दर में यही अंतर है कि इसके अंतर्गत जो है वो दीर्घकालीन ऋण देता है और रेपो रेट के अंतर्गत जो है वो अल्पकालीन ऋण देता है। तो यहाँ पे हमने इसको देखा कि इसका फुल फॉर्म जो है रिपर्चेज ऑप्शन रेट, यानी कि रिपर्चेज यानी कि पुनः खरीदने योग्य, यानी कि इस विकल्प के साथ जो बेचता है कि उस प्रतिभूति को सिक्योरिटी को जो खरीद लेगा। सिक्योरिटी एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें खरीदने बेचने की विभिन्न प्रकार के जो बातों और पक्षों और शर्तों को लिखा गया होता है, वो सिक्योरिटी होती है, प्रतिभूति होती है। तो ये जो व्यवस्था होती है और इसी के अंतर्गत जो है अल्पकालीन ऋण आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिया जाता है, और इसके जो है दरों में परिवर्तन करके आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था में शाख नियंत्रण करने का काम किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो है लोन वो ऋण जो है 4% पर जो है दिया हुआ है, 4% की दर पर जो है वह उसे दिया हुआ है, अगर ये 4.5% कर देता है तो अब उतने ही अमाउंट लेने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को ज्यादा धनराशि देना पड़ेगा, ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा, और जब वो स्वयं ज्यादा ब्याज पर प्राप्त करेगा धनराशि तो वह जो है ज्यादा दर पर जो है अपने जनता में जो है, क्योंकि आरबीआई जनता में सीधे काम नहीं करती है, वाणिज्यिक बैंक ही सीधे जो है जनता के रूप में जनता के पास जो है काम करते हैं। जैसे SBI है, PNB है, BOB है, इलाहाबाद बैंक है, इसी तरीके से जितने भी वाणिज्यिक किस्म के बैंक है वो जनता से करते हैं इंटरेक्ट, कार्य करते हैं, उनके बीच में जो है जमा प्राप्त करते हैं, उनको ऋण देते हैं। तो इस आधार पर जो है अगर इसकी दर ज्यादा होती है तो उतने ही निश्चित धनराशि के लिए ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है और ऋण लेने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, और जब ऋण कम लेंगे लोग तो जनता के पास जो है वो अमाउंट कम जाएगा, ऋण कम जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में जो है साख कम सृजित होगा, काम कम सृजित होगा, और जब जो है इसकी दर जो है घट जाती है तो ब्याज ऋण लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में जब वाणिज्यिक बैंकों के पास जो है ज्यादा धनराशि होती है तो वो ज्यादा ऋण देने में जो है सक्षम होते हैं, ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ती है, यानी कि साख पर नियंत्रण घटता है। तो अर्थव्यवस्था में आरबीआई के द्वारा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से मुद्रा स्फीति बढ़ रही है, घट रही है, इन सभी बातों को देखते हुए अर्थव्यवस्था में विकास की दर को ध्यान में रखते हुए इसकी मात्रा को नियंत्रित किया जाता है या घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है। इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट यानी कि रिवर्स रिपर्चेज ऑप्शन रेट यानी कि कोई भी पक्ष जब प्रतिभूतियों को इस विकल्प के साथ जो है खरीदता है कि वह उसे एक निश्चित समय के बाद जो है बेच देगा, इस विकल्प के साथ खरीदता है एक निश्चित समय के बाद बेच देगा, तो वह होता है रिवर्स रिपर्चेज ऑप्शन रेट यानी कि रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। और यहां पर हम लोगों ने देखा था जो है कि रेपो रेट होता था
यानी कि रिपर्चेज ऑप्शन रेट होता था, यानी कि बेचता था और वो फ्यूचर में खरीदता था, लेकिन यहाँ पर इस पक्ष इस विकल्प के साथ खरीदता है कि वो निश्चित समय के बाद उसको बेच देगा, तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है, रिवर्स रिपर्चेज ऑप्शन रेट, यानी कि रिवर्स रिपो रेट कहलाता है। साधारण भाषा में कहा जाए इसके अंतर्गत जो है वाणिज्यिक बैंक अपने जो है वाणिज्यिक बैंक जो है प्रतिभूतियों को RBI से लेते हैं और उनके पास अपने धन को रखते हैं, अपने जो है साख को जो है वहां पे रखते हैं, तो इसकी दर में भी जो है परिवर्तित करने इसका अधिकार जो RBI के पास है कि वो रेट जो है क्या होगा, वह दर क्या होगी जिस दर के आधार पर वह लोन देगा, जिस दर के आधार पर वो लोन देगा या लोन लेगा। यहाँ पे लोन दिया जाता है, यहाँ पे साख को नियंत्रित करने के रूप में जो है वो RBI के पास जो है होता है। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, बस इतना ही ध्यान में रखिए, यहाँ जो है वो साख जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को जाता है और यहाँ वाणिज्यिक बैंकों से RBI के पास जो है जाता है, यहाँ पे वाणिज्यिक बैंकों के पास धन जाती है, यहाँ पर जो है RBI के पास जाता है। तो इन दोनों ही माध्यमों से जो है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में साख को नियंत्रित करने का काम किया जाता है। अगर इसे ये भी कहा जाए कि यहाँ लोन दिया जाता है और यहाँ पे लोन साधारण अर्थों में लिया जाता है, जब इसी को विस्तृत करके आप समझेंगे तो चीजों को जो है समझने में जो है थोड़ी सी जो आसानी होगी। तो ये व्यवस्था जो है अल्पकालीन साख नियंत्रण के अंतर्गत जो है आती है और यह लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि तरलता समायोजित जो है सुविधा 2000 ईस्वी में जो प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत ये चीजें जो है आती हैं। अभी हम लोग जो है ये अल्पकालीन पढ़ रहे थे, दीर्घकाल के अंतर्गत जो है दीर्घकाल के अंतर्गत जो बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर वह दर होती है जिस पर RBI अपने वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। अभी तक हम लोग जो है पढ़ रहे थे रेपो रेट, यानी कि उस पर जो है अल्पकालीन ऋण देता था और यहां पर जो है वो दीर्घकालीन ऋण अपने वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान करता है। अब ये किस तरीके से होता है, जैसे अब इसी को दूसरे रूप में भी हम जैसे वहां पर जो है बेचने और खरीदने का विकल्प होता था रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में, कि वहां पर वो बेचता था कि एक निश्चित समय बाद खरीद लेगा, और रिवर्स रिपो रेट के अंतर्गत जो है यानी कि रिवर्स रिपर्चेज ऑप्शन रेट के अंतर्गत जो है वो खरीदता था कि एक निश्चित समय के बाद उसे बेच देगा। अब यहां पर जो है किसी भी प्रतिभूति की जो है RBI जब पुनर्कटौती करता है तो वह जो है दर बैंक दर होती है, यानी कि जब जो है RBI के द्वारा किसी भी प्रतिभूति की पुनर्कटौती की जाती है तो वह दर जो है बैंक दर होती है। इसको व्यवहारिक भाषा में ये कहा जाए कि वह दर जिस पर RBI अपने वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है वह बैंक दर होती है। दोनों चीज इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कई बार परीक्षा में वह पुनर्कटौती या कटौती शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है, ऐसी स्थिति में इसको जानना आवश्यक है। इकोनॉमी के जो टॉपिक हैं वो अपने स्वरूप में कुछ शब्दावलियों के प्रयोग के कारण से कहीं कहीं तकनीकी किस्म के हो जाते हैं, तो आप इन शब्दों को थोड़ा सा एक दो बार पढ़ेंगे समझेंगे तो वो चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य है, ग्रुप में इसकी जो है PDF भी डाल दिया जा रहा है, तो इसको जो आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो है आसानी जो है होगी कि वहां से आप उसको सीधा पढ़ पाएंगे। अब जैसे इसको हम लोग देखते हैं, बैंक दर को एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग जो है देखते हैं। कोई मान लीजिए वाणिज्यिक संस्था है, यहां पे बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक है, और यहां पर जो है RBI है। अब कोई भी यहां पर जो है कॉर्पोरेट है, कोई ऋण लेने वाला व्यक्ति है, अगर वह जो है ऋण ले रहा है, यहां पे ऋण शब्द जो है हम डाल देते हैं, ऋण ले रहा है और बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जो है उसकी कटौती की जाती है, और यहां पर RBI के द्वारा उसकी जो है पुनर्कटौती की जाती है,
अब जैसे 100 रुपए की लोन की बात चल रही है, तो अब यहां पे जो ये कटौती करेगा तो ये 80+20 यानी कि 100 रुपए के जो है ये प्रतिभूति का क्रय विक्रय अगर हो रहा है तो इनको 80 रुपए ही मिल रहा है और वो 20 रुपए जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को मिलेगा। लेकिन जब इसको साख की आवश्यकता होने लगेगी तो वह पुनः जो है उसी प्रतिभूति को आरबीआई को जो है देगा। तो यह कटौती किए गए जो है पूर्व में सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति की पुनर्कटौती करता है और यह 90+10 पर आ जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो 100 रुपए की जो प्रतिभूति की बात हो रही थी, 100 रुपए के प्रतिभूति की बात हो रही थी, तो इनको जो है 80 मिलेगा और यही जब इनको पुनर्कटौती होगा तो यहां पे इनको जो है 90 मिलेगा और ये 10 अपने पास रखेगा। कहने का मतलब इनको 80 रुपए लिए थे और जब एक निश्चित समय के बाद उसको चुकाएंगे तो ये 100 रुपए देंगे यानी कि 20 रुपए यहां पे जो है इनको ब्याज देना पड़ रहा है। और यही चीज जो है ये जब पुनर्कटौती करवाता है जिसको वास्तविक रूप में 90 रुपए मिल रहा है यानी कि यहाँ पे ये 10 रुपए का जो लाभ कमाता है और आरबीआई को जो है वो 10 रुपए केवल जो है प्राप्त होता है। इस तरीके से जो है ये व्यवस्थाएं जो है यहाँ वाणिज्यिक बैंकों के स्तर पर कटौती होती है और जो है जब ये आरबीआई के स्तर पर जाता है तो ये पुनर्कटौती की श्रेणी में आता है। और इसी को जो है एक परिभाषा के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो बैंक दर वह दर होती है जिस पर जो है आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती की जाती है। पुनर्कटौती इसलिए क्योंकि कटौती यहां पर वाणिज्य बैंकों के द्वारा पहले ही 20 रुपए की कर ली गई है लेकिन अब यहां पर आकर के 10 रुपए की जाती है। तो यह 10 रुपए इनको फायदा मिलता है और ये इनको अमाउंट जो 100 रुपए की प्रतिभूति होती है उसमें 80 रुपए प्राप्त होता है। तो ये व्यवस्था जो है इस रूप में चलती है। तो ये होता है बैंक दर की जो व्यवस्था। खुले बाजार की क्रिया जो है परीक्षा में ऐसे ही जो है पूछ लेता है सवाल सीधे की सीधे खुले बाजार की क्रियाएं। तो खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं इसमें जो है प्रतिभूतियों की का क्रय विक्रय किया जाता है और इन प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का भी जो है सीधा तात्पर्य यह होता है कि आरबीआई इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में साख को सृजित करती है। सीधी सी बात अगर इसको ये कहा जाए कि एक ऋण पत्र जारी करना, जैसे कोई व्यक्ति ऋण पत्र का खरीद फरोख्त हो रहा है, एक पेपर खरीद फरोख्त किया जा रहा है उसमें शर्तें लिखी गई हैं, वो अगर उस प्रपत्र को खरीद लेता है, खरीदने का तात्पर्य यह है कि उसमें मूल्य लिखा रहेगा और उतने मूल्य जो है वो सामने वाले पक्ष को देना होगा, तो सामने वाले पक्ष के पास जो है वो मुद्रा जो है पहुंच जाएगी तो वहां लिक्विडिटी उस व्यक्ति के पास हो जाएगा। उसी तरीके से आरबीआई के द्वारा जब जो खरीद फरोख्त होगा, अगर वो आरबीआई जो है प्रतिभूतियों को खरीदता है, कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे एक कोई पेपर है, मान लीजिए ये प्रतिभूति है, ये 1 करोड़ लिखा हुआ है, तो अगर इस प्रतिभूति को कोई भी खरीद लेता है तो वो सामने वाले पक्ष को जो है वो 1 करोड़ जो है वो दे देगा और प्रतिभूति अपने पास ये पेपर रहेगा, इसमें सारी चीजें अंकित रहेंगी, लिखी रहेंगी, तो अब इनके पास जो साख पहुंच जाएगा। अगर आरबीआई के द्वारा इसको खरीदा जाता है, अगर आरबीआई के द्वारा इस प्रतिभूति को खरीदा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आरबीआई से पैसा जो है ये अर्थव्यवस्था में पहुंच रहा है, यानी कि साख का सृजन हो रहा है, लिक्विडिटी बढ़ रही है, लोन लेने की लोन जो है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा लोन देने की जो है क्षमता में वृद्धि हो रही है, यानी कि साख बढ़ रही है। इसी तरीके से जब प्रतिभूतियों को बिक्री करता है तो बेचता है, यानी कि प्रतिभूति जो है इनके पास जाएगा और ये अमाउंट इनके पास वापस आएगा, तो कुल मिलाकर के जो है अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रित होती है, साख कम होगी, तरलता जो है कमी आएगी, ऋण देने की क्षमता जो प्रभावित होती है। तो ये खुले बाजार की क्रियाएं भी जो है होती है जो दीर्घकालीन उपायों के अंतर्गत जो है सम्मिलित होती है। तो खुले बाजार की क्रियाएं जो है इस रूप में जो सम्मिलित होती है। अब जो है इसमें CRR दीर्घकाल में हम सम्मिलित करते थे, लेकिन CRR को जो है हम लोगों ने एक और उपायों के अंतर्गत देखा था, अनिवार्य उपाय के रूप में भी जो हम लोगों ने देखा था। इसमें जो 2-3 चीजें आई थी, जो CRR और दूसरा था SLR। तो चूंकि हम इसके अंतर्गत जो इसका अध्ययन कर रहे हैं तो अभी इसी भी प्रकार की चीजें जो है दो बार दोहरा ना हो इससे कोई आवश्यकता नहीं है, हम एक ही बार उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन ये जान लेंगे कि जो है दीर्घकाल में जो है CRR, बैंक रेट और खुले बाजार, इन तीनों को जो सम्मिलित किया जाता है। इन CRR और SLR में भी जो है CRR ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसका प्रभाव तात्कालिक होता है, ये कैश के रूप में जो है होता है। तो
अनिवार्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है ये CRR कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात इसको भी जो कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जो है वाणिज्यिक बैंकों को अपने समस्त मार्ग जमा एवं सावधि जमा का जो है एक निश्चित प्रतिशत नगद के रूप में जो है RBI के पास रखना होता है। ये धनराशि RBI के पास जो होती है और ये धनराशि अपने पास होती है, ये जो है व्यवस्था अपने पास होती है, ये व्यवस्था जो RBI के पास जो है रखनी होती है और इसके माध्यम से RBI शाख का नियंत्रण स्थापित करती है। यदि इसके दर को बढ़ा देती है तो शाख जो है क्षमता प्रभावित होती है, शाख नियंत्रित होती है, और यदि इसकी दर घटा दी जाती है तो अर्थव्यवस्था में शाख बढ़ना शुरू हो जाता है, लिक्विडिटी जो है बढ़ जाती है। इसके अंतर्गत 2006 में इसवी तक जो है इसमें व्यवस्था थी कि 3 से 15% तक की इसकी सीमा थी, लेकिन 2006 ईस्वी में इसकी सीमा को जो है समाप्त कर दिया गया है, नगद आरक्षी अनुपात की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। वहीं SLR जो है इसे स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है, सांविधिक तरलता अनुपात, इसमें जो है अपने समस्त सावधियों मार्ग जमाओं के जो है एक निश्चित प्रतिशत को तरलता के रूप में रखना होता है। इसमें सोना, विदेशी मुद्रा, नगद और कुछ स्वीकृत प्रतिभूतियों को जो सम्मिलित किया जाता है। तो यह व्यवस्था जो है बैंक अपने पास रखती है और यह व्यवस्था जो है RBI के पास जो है रखी जाती है। इसकी सीमा जो है 25 से लेकर 40% तक होती थी, लेकिन 2007 ईस्वी में इसकी निचली सीमा को जो है समाप्त कर दिया गया है। तो इस रूप में जो है ये व्यवस्था बनी हुई है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि नगद आरक्षी अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं जहां से सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, मुख्य परीक्षा में यहां से टिप्पणी भी पूछे जा सकते हैं, और अगर आप रुचि इस क्षेत्र में व्यक्त करते हैं तो साक्षात्कार में भी आपसे यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक के बारे में होना जरूरी है। कई बार मुख्य परीक्षा में RBI की जो है शाख नियंत्रण को जो भी पूछ लेता है, तो आपको वहाँ पे इन सभी चीज़ों का जो संक्षिप्त रूप में जो उल्लेख करना होगा। अगर एक ही टॉपिक को पूछता है तो आप उसको अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके जो है बताने का जो प्रयास करेंगे। तो ये कुल मिला करके इस तरीके की जो एक अपनी जो है व्यवस्था है जो RBI अपने स्तर पर डील करने का जो काम करती है। एक व्यवस्था और आई थी MSF, उसको भी समझ लेना आवश्यक है। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये व्यवस्था 2011 ईस्वी में जो है शुरू की गई थी। अभी हम लोगों ने एक व्यवस्था देखी थी LAF, ये जो कुछ नए टर्म होते हैं हमेशा इसको समझना चाहिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि तरलता समायोजन व्यवस्था जो है सुविधा, और इसी तरीके से ये MSF है यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो सीमांत अस्थायी सुविधा। इसके अंतर्गत जो है वाणिज्यिक बैंकों को ये व्यवस्था दी गई है कि वह जो है अपनी मांग और सावधि जमाओं का जो है 1% के बराबर रात भर के लिए जो है यानी कि अत्यंत ही अल्पकालीन व्यवस्था के अंतर्गत जो है लोन ले सकता है। और इसमें ये व्यवस्था की गई है कि इसकी जो दर होगी वो हमेशा जो है रेपो रेट से 100 आधार अंक बराबर अधिक होगा। अगर रेपो रेट जो है 6% है तो MSF जो है वो 7% के रूप में जो है होगी। अत्यंत अल्पकालीन के लिए व्यवस्था है, रात भर के लिए जो है यानी कि बहुत ही अल्पकाल के लिए जो है ऋण की व्यवस्था होती है। कई बार वाणिज्यिक बैंकों को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यानी कि अपने आर्थिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बहुत ही कम समय के लिए लोन की आवश्यकता होती, तो ये व्यवस्था 2011 ईस्वी में किया गया। तो ये कुछ टर्म होते कई बार परीक्षा में पूछ लेते, तो थोड़ा एक दो बार अगर आप इसको जो देखते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आपकी समझ जो है बढ़िया बनेगी जो है। तो MSF ये व्यवस्था जो है 2011 ईस्वी में प्रारंभ की गई, जहां मांग एवं सावध जमाओं के 1% को जो है धनराशि को वो रात भर के लिए जो है रेपो रेट से 100 आधार अंक के अधिकता के साथ, यानी कि यदि रेपो रेट 6% है तो MSF 7% के आधार पर वो लोन लिया जा सकता है। तो ये व्यवस्था हमें लगता है कि गुणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत थी, जिसे आप लोग जो है शायद समझ लिए होंगे, और अब हम लोग जो है कुछ गुणात्मक शाख नियंत्रण को जो है यहाँ पे समझने का जो प्रयास करेंगे। गुणात्मक शाख नियंत्रण यह एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वरूप आधारित जो है नियंत्रण की एक व्यवस्था को सुनिश्चित करता है,
इसमें चूंकि आरबीआई जो है एक केंद्रीय बैंक है, ये सभी को मान्यताएं देता है, विभिन्न प्रकार के दरों को नियंत्रित करता है, इसलिए सभी बैंकों पर इसका एक नैतिक प्रभाव भी होता है, एक जो है अनिवार्य प्रभाव भी जो होता है, इनके अंतर्गत जो है कई प्रकार की व्यवस्थाएं बनाता है। इसमें जो है विभेदी ब्याज दर एक जो एक व्यवस्था ये होती है, साख की राशनिंग कर सकता है। दूसरा जो है इसमें प्राधिकरण की जो व्यवस्था लागू की गई है, अभी हम इसको जो है थोड़ा सा व्याख्या करेंगे। प्राधिकरण की व्यवस्था और दूसरी तरफ जो है एक नैतिक प्रभाव भी डालता है, और अगला है जो है सीधी कार्रवाई। एक्चुअली कई बार यहाँ से ऐसे ही जो है विकल्पों में जो है इन्हीं को जो सम्मिलित कर दिया जाता है और इनमें से एक को हटा दिया जाता है, तो इस आधार पर भी जो सीधे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि इसमें से जो है गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत जो है कौन से उपाय सम्मिलित नहीं है। तो आपको इन्हीं को, अब विभेदी ब्याज दर का क्या मतलब होता है, यानी कि किसी क्षेत्र के लिए जो है ब्याज की कोई दर हो और किसी क्षेत्र के कोई दर हो, जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र होते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, होम लोन है, इन सभी क्षेत्रों में जो है वो निर्धारित कर सकता है कि एक निश्चित दर से तक ही जो है ब्याज दर पर ही जो है ऋण उपलब्ध करवाया जाए। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए वो विभेदीकृत ब्याज दर की व्यवस्था जो है बना सकता है, ये साख नियंत्रण की अपनी व्यवस्था है। राशनिंग की व्यवस्था, जब मांग ज्यादा बढ़ जाए तो अलग अलग बैंकों के, वाणिज्यिक बैंकों के लिए भी वो साख की एक सीमा को निर्धारित। राशन का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित जो है सीमा, एक निश्चित जो उसकी व्यवस्था बनाई जाए, उसी निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत ही जो है वहां पर लोन की व्यवस्था जो है की जाए, तो साख की जो है राशनिंग कर देगा, यानी कि ज्यादा मांग होने पर बैंकों के लिए वो साख की सीमा को निर्धारित कर देता है। प्राधिकरण की व्यवस्था 1965 ईस्वी में जो प्रारंभ की गई, और इसमें किसी भी जो है संस्था या किसी भी व्यक्ति को 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ऋण देने पर इसकी सूचना आरबीआई को देना होता था। यद्यपि 2 करोड़ की धनराशि उस समय हो सकता है ज्यादा रही हो, लेकिन आज की डेट में किसी बड़े बड़े घराने के लिए ये बहुत ही कम धनराशि, लेकिन व्यवस्था है तो उसका अध्ययन करना है। नैतिक प्रभाव का मतलब यह है कि वो एक नियंत्रक इकाई है, सभी बैंकों पर उसका नियंत्रण होता है, सभी को मान्यताएं देता है, इसलिए एक जो है नैतिक प्रभाव भी सभी के ऊपर होता है कि उसकी बात जो है मानना पड़ता है, और साख नियंत्रण उसके प्रभाव में होता है। सीधी कार्रवाई का मतलब यदि वो मान्यता देता है तो उनके लाइसेंस को रद्द भी करने की कार्रवाई कर सकता है, यदि वो बैंक आरबीआई के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो है गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत इस तरीके की जो व्यवस्थाएं जो आती हैं, तो कुल मिलाकर के साख नियंत्रण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसे ही जो है मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में किस तरीके से मुद्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित करके जो है साख को जो है या तरलता को जो है नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि तरलता का होना ही जो है अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर, मुद्रास्फीति की दर, महंगाई की दर, बेरोजगारी की दर, अर्थव्यवस्था में विकास की दर, इन सभी चीजों का जो सीधा संबंध होता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आरबीआई और किसी भी देश के जो है विकास में बहुत ही सीधा संबंध होता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा एक दो बार अगर आप लोग अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली इन चीजों को समझने में आप लोगों को मदद मिलेगी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने आरबीआई की जो है साख नियंत्रण की नीति को जो पढ़ा, तो उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में आपको थोड़ी मोड़ी समझ जरूर विकसित हुई होगी। एक दो बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अच्छी समझ विकसित हुई हो जाएगी, जिससे परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को हल करने में मदद मिलेगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में हम लोग वाणिज्यिक बैंक की जो व्यवस्था और विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के कार्य इत्यादि को भी देखने का जो प्रयास करेंगे, और ऐसे वाणिज्यिक बैंक जो कि जिससे सीधा जनता का हम लोगों का संपर्क होता है, क्योंकि आज के इस आर्थिक व्यवस्था और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के जो है दौर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कि अर्थव्यवस्था में बैंकों से संबंध ना हो। हाँ, ये बात और है कि वो बैंकों के स्वरूप में कार्य में परिवर्तन आया है कि वो बैंक न जाकर के बैंकिंग कार्यों को इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से करता हो। तो अगले टॉपिक में हम लोग वाणिज्यिक बैंक को ही जो समझने और देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।